खबर रोहतक से है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर रेलवे की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। पिछले 3 महीनों से बंद पड़े रेलवे ओवरब्रिज के चलते लोगों को अपनी जान हथेली पर लेकर पटरी से ही रास्ता पार करना पड़ता है। गुरुवार को इंडिया न्यूज ने रेलवे ओवरब्रिज बंद होने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, लेकिन रेलवे के अधिकारी आंखें मूंदे हैं और छात्रा लापरवाही की बलि चढ़ गई। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान छात्रा ट्रेन से कट गई, जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन अभी भी रेलवे के अधिकारी इस खतरे से अनजान बने हुए हैं। रेलवे ट्रैक से रास्ता पार करने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। लोगों का कहना है कि रेलवे के अधिकारी रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर रास्ता पार कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, इस बीच आप देख सकते हैं किस तरीके से लापरवाही की वजह से मौत हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रेलवे ने इससे कोई सबक अभी तक नहीं लिया है। लोग किस तरीके से रास्ता पार करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से ट्रैक को पार कर रहे हैं। तो पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सामने आई है। 16 फरवरी को मौत हुई थी, रोहतक रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से हमने 2 दिन पहले कवर किया था कि आने जाने वाले जो लोग हैं उनको ये जो पुल है ये बंद होने की वजह से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आज भी हालात ये हैं कि 2 या 3 हादसे होने के बावजूद भी जो रेलवे प्रशासन है उसकी ओर से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं सुरक्षा के, और ना कोई लोगों को विकल्प के तौर पर रास्ता बनाकर दिया है। ये जो लाइनें हैं इन लाइनों को क्रॉस करके आप देख सकते हैं महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं, वो किस तरीके से क्रॉस करके जा रहे हैं और रेल के नीचे से निकलकर उनको जाना पड़ रहा है। देखिए कितना बड़ा जोखिम उठा रहे हैं, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रशासन की ओर से, रेलवे प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। जो लोग हैं वो कितने परेशान हैं वो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और 2 दिन पहले इसी रेलवे की लापरवाही की वजह से एक लाख की स्टूडेंट को, जिसका नाम रितु बताया गया, उसकी यहां पर ट्रेन की चपेट में आने से डेथ भी हुई है, और 2 लोग पहले भी इस पुल से गिर के उनको चोटें आई हैं। इन सब के बावजूद भी रेलवे प्रशासन आखिर कौन सी भांग पीकर सो रहा है या कौन सी कुंभकर्णी नींद में सो रहा है कि रेलवे प्रशासन को ये तमाम हादसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो रोजमर्रा आने जाने वाले हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी क्या नाम है? मैं सौरभ नाम है मेरा जी। सौरभ, और रेगुलर हमारा इधर से इधर आने का, क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉलोनी है रोहतक की, वहाँ से इधर से आने का रास्ता केवल एक यही मात्र था जो रेलवे क्रॉस करके आना पड़ता था इसी पुल के माध्यम से। ये करीब 3 महीने से टूटा पड़ा है और 4 महीने का समय बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन अभी तक का इसका कोई काम शुरू नहीं हुआ। कोई भी ऐसे ही लोग रोड, मतलब ऐसे ही रेलवे ट्रैक से क्रॉस होकर के जा रहे हैं, कभी रेलवे के नीचे से, कभी रेल के नीचे से जा रहे हैं, कभी ऊपर से जा रहे हैं, ऐसा रोज करना पड़ता है। तो अभी हमारी कॉलोनी की जोखिम उठाना पड़ रहा है, देखिए कई, हाँ बिल्कुल, कई बार ऐसा हुआ, कई बार भी छात्रों को भी आना पड़ता है, छोटे छोटे बालक भी आते हैं इधर से, लेकिन रेलवे प्रशासन सो रहा है पूरी तरह से। अभी हमारे ही कॉलोनी में एक कॉलेज है, वेस्ट लॉ कॉलेज है, वहाँ की एक छात्रा परसों क्रॉस करते समय दोनों ट्रैक पे ट्रेन आने की वजह से एक ट्रैक पे तो क्रॉस हो गई, दूसरी ट्रैक पे उसका वो क्रॉस नहीं हो पाई, उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे ही कांड होते रहते हैं, ये बहुत निंदनीय है हमारे लिए, ये सोचने वाली है, ये प्रशासन को सोचना चाहिए। और इस पुल को अगर वो नहीं बना पा रहे हैं तो किसी स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए, या फिर और भी कोई ऑप्शन इसका निकल सकता है। बिल्कुल, अगर प्रशासन को सोचना चाहिए। कुछ और हमारे साथ है, क्या नाम है? विवेक। विवेक, विवेक जी, क्या देखिए पुल जो बंद है इसकी वजह से क्या क्या दिक्कत है? सर, मैं भी लॉ कॉलेज का ही छात्र हूँ, और जो लड़की एक्सपायर हुई है वो हमारी ही क्लास की लड़की थी, रितु जी। और ये हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से पुल बिल्कुल बंद है, हमें भी डेली क्रॉस करना पड़ता है। मैं गोहाना से आता हूँ तो मुझे ऑटो मिलता है रेलवे स्टेशन का, और कोई रास्ता है नहीं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, मुझे भी अपनी जान जोखिम में डाल के ही
ट्रैकों को पार करके आना पड़ता है। हादसे होने के पूरे पूरे चांसेस हैं हमारे घर के। हादसे हुए हैं, हादसे हो चुके हैं, खुला निमंत्रण है, खुला निमंत्रण है और रेलवे प्रशासन का पता नहीं कर क्या रहा है। मैं बस एक निवेदन करना चाहूंगा, जो हादसा हमारी बहन के साथ, रितु के साथ, वो किसी और के साथ भविष्य में ना हो। कोई अपने घर का चिराग ऐसे ना खोए। वो चौथे ईयर की छात्रा थी, कितना बड़ा पाला पोसा उनके माँ। परसों हादसा हुआ, हादसे के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई इंतकाम नहीं किया गया, बल्कि कुछ नहीं, इनको करना चाहिए, लेबर लगानी चाहिए, बच्चों को दिक्कत, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, चलो बड़ा तो समझदार होता है, छोटे बच्चे घबरा जाए, स्कूल के बच्चे हैं या स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, पता नहीं प्रशासन कहाँ सो रहा है जी। चलिए देखिए, साफ तौर से मैंने तस्वीरें भी दिखाई, वो लोग भी देखिए किस तरीके से जोखिम उठा के, और बुजुर्ग खड़े हैं, वो जोखिम उठा के अब रेलवे, ये जो रेलगाड़ी खड़ी है इसको क्रॉस करेंगे, क्योंकि मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं है उनके लिए। आप भी रेलवे क्रॉस करके आए हैं, ये जो पुल है, इस पुल की वजह से क्या दिक्कत पेश आ रही है? इस पुल की वजह से सर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ये पुल कम से कम ना, उधर देखिए, उधर 10,000 व्यक्तियों को इस साइड से उस साइड ले जाने का काम करता है। ठीक है, अभी परसों ही एक हमारे कॉलेज की एक छात्रा जो कि BA LLB की छात्रा थी, वो क्रॉसिंग गाड़ी हो रही थी और ये सारा का सारा इस पुल की वजह से हुआ है। उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। कई बार मैं खुद पत्र लिख चुका हूँ लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं जी। तो देखिए, ये पुल जो तोड़ा गया है, कोई इसका विकल्प भी दिया गया प्रशासन की ओर से कि भाई कोई विकल्प नहीं, नहीं कोई विकल्प नहीं दिया गया सर इसका। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को मरने के लिए खुला छोड़ रखा है। जी जी जी, ये प्रशासन की लापरवाही है सर, और हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन इस पे जल्द से जल्द संज्ञान ले ताकि यात्रा का जो आवागमन है वो पुनः सुचारू रूप से दुरुस्त हो सके। हादसा हुआ, हादसे के बाद कोई इंतजाम किया गया? नहीं, कोई इंतजाम नहीं हुआ। हादसे के बावजूद भी कोई नहीं? कोई इंतजाम नहीं हुआ। तो देखिए, सुन रहे हैं आप, देख रहे हैं आप कि परसों हादसा हुआ और हादसे में एक लड़की की मौत भी हुई, और उसके बावजूद भी रेलवे प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम सुरक्षा के यात्रियों को आने जाने के नहीं किए गए हैं। इससे बड़ी लापरवाही शायद और नहीं हो सकती कि मौत होने के बावजूद भी कोई संभालने वाला ना हो। आखिर प्रशासन यात्रियों की जो समस्या है उसको दूर कब करेगा, और आखिर जो प्रशासन नींद में सो रहा है वो रेलवे, रोहतक रेलवे प्रशासन आखिर कब जागेगा? मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल आर्य, इंडिया न्यूज रोहतक। के 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं इसको, और हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। ट्रैक पे से जाना पड़ता है हमें, रेलवे ट्रैक पे से, और बहुत ज्यादा। और परसों तो एक स्कूल की बच्ची की यहाँ पे डेथ हो गई है रेल की पटरी पे से। अभी हमें मार्केट में को जाना है, तो देखो हम ट्रैक पे से होके जाएंगे। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमारा डेली का यहाँ से आना जाना होता है, जिससे हमें बड़ी परेशानी होती है। हमें रेलवे ट्रैक क्रॉस करने पड़ते हैं, स्कूली बच्चों को भी परेशानी होती है, बुजुर्गों को परेशानी होती है, हम सबको बहुत ज्यादा परेशानी है। ये पुल के इधर से हमें कोई व्हीकल नहीं मिलता, इसलिए हमें ट्रेन के नीचे से क्रॉस करना पड़ता है। बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमें। हमारी सरकार से गुहार है कि ये पुल को जल्दी से जल्दी बनाया जाए ताकि ये परेशानी दूर हो। तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में।